सो नथिंग फोन वन को यूज़ करते हुए मुझे 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अच्छे से मैंने अब टेस्ट कर लिया नथिंग फोन वन को, इसके कैमराज भी, प्रोसेसर भी और बाकी की सारी चीज़ें, जो कि मैं आज की वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्या सिर्फ ये जो ग्लिफ इंटरफेस है इस वजह से आपको नथिंग फोन वन परचेज करना चाहिए या और भी इसके पीछे रीजंस है जिसकी वजह से आप नथिंग फोन वन की तरफ जा सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीडियो नेटवर्क। चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर कर देना। सो आज से लगभग 30 दिन पहले मैंने नथिंग फोन वन की अनबॉक्सिंग करी थी, वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फुल रिव्यू की 30 दिन यूज करने के बाद। पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीमियम डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट एकदम बैक मिलती है, साथ में आपको मिलता है यहाँ पे ग्लिफ इंटरफेस बैक के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। अंदर आप चार्जिंग कॉइल्स, इसके स्क्रूज, सब कुछ चेकआउट कर सकते हो, यहीं बाहर से आपको दिख जाता है। ग्लास के ऊपर यहाँ पे नथिंग की ब्रांडिंग मिल जाती है आगे और पीछे दोनों तरफ, आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास मिलता है और जो ग्लिफ इंटरफेस है, फटाफट से एक बार उसको टर्न ऑन करके भी दिखा देता हूँ। सो ये ग्लिफ इंटरफेस भी यहाँ पे ऑन हो चुका है और आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये ग्लिफ इंटरफेस। बेसिकली 900 एलईडी लाइट्स हैं जो कि काफी अच्छे से लाइट अप होती है रिंगटोन्स और नोटिफिकेशन के साथ सिंक होके, और जब भी आप इसको बाहर लेके जाओगे तो लोग आपसे जरूर पूछेंगे कि ये कौन सा फोन है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइट अप होती है एलईडी लाइट्स, जिसको नथिंग ग्लिफ इंटरफेस कहते हैं और वाकई ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है और एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ऐसा आपने कोई भी फोन नहीं देखा होगा जो बैक से ट्रांसपेरेंट और उसके आपको इस तरह का ग्लिफ इंटरफेस मिलता हो। तो जिस तरह एप्पल का लोगो यूज होता है शो ऑफ करने के लिए, वैसे ही नथिंग फोन वन का ग्लिफ भी यूज होने लगा है शो ऑफ करने के लिए। अगर आप उसी वजह से लेना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर नथिंग फोन वन, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए किसके लिए यहाँ पे नथिंग फोन अच्छा है और किसके लिए नहीं। बाकी आपको ये पूरा फ्लैट फोन मिलता है, जैसे कि आईफोन आता है वैसे ही आपको इसके एजेस भी पूरे यहाँ पे फ्लैट मिलते हैं, बैक से भी आपको पूरा ये फ्लैट फोन मिलता है और इसके साइड जो है वो भी आपको एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर देखने को मिलती है। इवन बटन भी यहाँ पे जो है वो आईफोन से काफी ज्यादा सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पे स्पीकर, चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट और साथ में यहाँ पे आपको मिलती है सिम ट्रे, जहाँ पे आप अपनी 5G सिम लगा सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे कोई भी आप माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते। बाकी दोनों यहाँ पे 5G सिम है और 5G के आपको यहाँ पे 12 बैंड्स मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है और 5G अब काफी ज्यादा नजदीक है, जल्दी ही आ जाएगा। सो 5G की तरफ ही आपको सोचना चाहिए फ्यूचर के लिए। बाकी हम यहाँ पे बात करें इसकी डिस्प्ले की, सबसे पहले आपको मिल जाता है डिस्प्ले के ऊपर इन बिल्ड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट परफॉर्मेंस आप लोगों को देने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा थंब रखते ही यहाँ पे फोन अनलॉक हो जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फेस आईडी का भी सपोर्ट मिलता है और उसकी परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे OLED पैनल की मिल जाती है 6.55 इंच की, काफी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले और काफी सही डिस्प्ले लगी मुझे। एक चीज जो है यहाँ पे जिसकी काफी ज्यादा बात हो रही है वो है इसके सिमेट्रिकल बेजल्स। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आपको सारे बेजल्स जो है वो एकदम सिमेट्रिकल मिलते हैं, मतलब सेम साइज के मिलते हैं। चिन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि काफी ज्यादा थिन चिन मिलती है आप लोगों को यहाँ पे, जो कि साइड बेजल्स के ही आपको सिमेट्रिकल मिलती है। अब चिन का साइज तो कम हो गया, बट ये जो साइड बेजल्स हैं ये आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि ये थोड़े से ज्यादा थिक लगते हैं देखने में। जब आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे होगे या फिर गेमिंग कर रहे होगे तो थोड़े से ये साइड बेजल्स जो है वो थिक देखने में लगते हैं और आपकी आंखों में आसानी से दिखेंगे ये। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी आप कह सकते हो और इसको पॉजिटिव भी कह सकते हो कि बेजल्स जो है आपको एकदम एग्जैक्ट सिमेट्रिकल मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करें कैमरा की, तो आपको कॉर्नर के ऊपर पंच होल कटआउट के अंदर यहाँ पे एक कैमरा मिल जाता है। कैमरा की बात वैसे अभी आगे हम करेंगे वीडियो के अंदर। अब एक चीज जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी जब नथिंग फोन वन लॉन्च हो रहा था वो था इसका रिफ्रेश रेट, कि वो 120Hz का आएगा। मुझे लगा था कि मैक्सिमम यहाँ पे 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, बट यहाँ पे काफी अच्छा काम किया गया 120Hz का रिफ्रेश रेट देके और काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। ऑल्दो कहीं पर मैंने ऐसा नोटिस किया है कि इसका रिफ्रेश रेट जो उसके ना लैग्स आ जाते हैं, बट काफी टाइम से यहाँ पे काफी स्मूथ चल रहा है हमारा 120Hz रिफ्रेश रेट। आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है 120Hz का रिफ्रेश रेट, ऑल्दो आईफोन्स के अंदर आपको सिर्फ प्रो मॉडल के अंदर मिलता है। अब वैसे पता चलेगा iPhone 14 सीरीज के अंदर कि आपको सिर्फ प्रो में ही मिलता है या फिर आपको iPhone 14 में भी देखने को मिलेगा। काफी जल्द यहाँ पे iPhone 14 भी लॉन्च होने वाले हैं 7 सितंबर को, उनके ऊपर भी आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। अब एक वीडियो भी हम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं और आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि काफी अच्छी आपको यहाँ पे कलर क्वालिटी मिलती है और खासकर जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी काफी ज्यादा कमाल के हैं। ऑल्दो यहाँ पे आपकी डिस्प्ले जो है वो थोड़ी सी वार्मर टोन रखती है, आपको थोड़ी सी येलोइश लगेगी, बट ओवरऑल डिस्प्ले की यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। स्पीकर की क्वालिटी भी आपको यहाँ पे सही मिलती है, आपको दोनों ही स्पीकर जो है वो काफी अच्छे से बैलेंस मिलेंगे, एक आपको ऊपर की तरफ मिलता है और एक नीचे की तरफ, और स्पीकर सही है यहाँ पे आपको काफी लाउड मिलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है, जो कि आईफोन 14 प्रो सीरीज के अंदर होगा, बट यहाँ पे नथिंग फोन 1 के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और बैटरी परसेंटेज भी आप यहीं पे चेकआउट कर सकते हो।
अब बात करते हैं हम यहाँ पे कैमराज की। सो नथिंग फोन 1 के कैमरा यहाँ पे बाकी एंड्रॉइड फोन से थोड़े से डिफरेंट मैं कहूँगा उनको। वैसे आपको रियर के अंदर ड्यूल कैमराज यहाँ पे मिलते हैं, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड एंगल दोनों ही यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के आप लोगों को मिल जाते हैं। फ्रंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का। बाकी एंड्रॉइड फोन से मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे आपको फोटोज हैं वो ज़्यादा नेचुरल मिलती हैं, जैसे कि एंड्रॉइड फोन की थोड़ी सी पंची और सैचुरेटेड फोटोज मिलती है, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी नेचुरल फोटोज मिलती हैं। कोई आपको डेडिकेटेडली मैक्रो कैमरा नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको मैक्रो मोड भी मिल जाता है मैक्रो शॉट्स लेने के लिए। अब कुछ फोटोज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो कितने अच्छे कलर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और साथ में यहाँ पे डिटेलिंग एंड फोकसिंग जो है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। जो भी कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो नेक्स्ट टू नेचुरल आपको देखने को मिल रहे हैं। ओनली फ्यू टाइम्स आई हैव नोटिस्ड सम पंच इन द कलर्स, बट इतना तो चलता है। वैसे नथिंग फोन 1 को मैं कंपेयर कर चुका हूँ आईफोन 12 के साथ भी, आईफोन 13 के साथ भी। आईफोन के कैमरा कैसे होते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे नथिंग फोन 1 ने काफी अच्छी टक्कर दी है। इवन काफी फोटोज ऐसी थी जिसमें मुझे नथिंग फोन 1 से ली हुई फोटो ज्यादा अच्छी लग रही थी आईफोन 12 के मुकाबले में। फ्रंट कैमरा से भी आपको आउटडोर के अंदर काफी अच्छी सेल्फीज मिल जाती है, इनडोर के अंदर थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। बाकी आप लोग देख सकते हो कि डिटेलिंग एंड फोकसिंग यहाँ पे भी आपको काफी सही मिल जाती है, पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पे काफी सही मिल जाते हैं। ओवरऑल एक अच्छा कैमरा आपको मिलता है नथिंग फोन 1 में, ऑल्दो अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर थोड़े से कलर शिफ्ट आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे 4K का सपोर्ट मिलता है, बट सिर्फ 30fps तक ही मिलता है, 60fps का आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलने वाला। और वीडियो यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन के मामले में सही आती है, कलर्स मुझे उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पे 4K मिसिंग मिलेगा, 1080p और 30fps तक ही आप यहाँ पे फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ग्लिफ इंटरफेस मिल जाता है और साथ में ये रेड ब्लिंकिंग लाइट मिल जाती है जैसे कि पुराने रिकॉर्डर के अंदर हमें देखने को मिलती थी, वैसे ही कुछ यहाँ पे इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी है। बाकी जो ये ग्लिफ है इससे आपको काफी अच्छी लाइटिंग मिल जाती है, जैसे फ्लैश से थोड़ी सी लाइट जो है वो हार्श हो जाती है, बट ग्लिफ लाइटिंग को यूज करके आप नाइट के अंदर काफी अच्छी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कुछ सैंपल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो फोटो ली गई है ये ग्लिफ इंटरफेस को ऑन करने के बाद ली गई है, लाइट भी यहाँ पे सही लग रही है और आपको डिटेलिंग भी काफी अच्छी मिल जाती है। ये फोटो हमने इनडोर लाइट के अंदर ली है जहाँ पे रूम की लाइट ऑन थी। अब यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑफ कर दी तो ये नाइट मोड के अंदर फोटो आपको कुछ इस तरह की मिलती है, और अंधेरे में ही आपको ग्लिफ को ऑन करने के बाद कुछ इस तरह की फोटोज यहाँ पे मिल जाती है। ओवरऑल मुझे नथिंग फोन 1 के कैमराज यहाँ पे अच्छे ही लगे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर थोड़े से कलर और अच्छे हो सकते थे, और यहाँ पे 4K का अगर आपको सपोर्ट मिलता फ्रंट कैमरा के अंदर तो यहाँ पे ज्यादा अच्छी चीज बन जाती। माइक्रोफोन्स को भी मैं एवरेज में ही रखूंगा, नॉट द बेस्ट माइक्रोफोन्स। एक डेडिकेटेड वीडियो कैमरा टेस्ट के ऊपर भी जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आईफोन 13 वर्सेस नथिंग फोन 1 के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, और आईफोन 12 वर्सेस नथिंग फोन 1 के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, और दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप इन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। अब बारी है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसर की। सो नथिंग फोन 1 का एक खुद का सॉफ्टवेयर है नथिंग ओएस जिसके ऊपर ये फोन रन कर रहा है। अभी एक दो अपडेट्स भी इसके अंदर आ चुके हैं, बाकी वो भी हमें पता चलेगा फ्यूचर के अंदर कैसे ये नथिंग ओएस रन करता है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB 128GB वाला, वर्चुअल रैम एक्सपेंडेबल का आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलने वाला। प्रोसेसर की बात करें तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 778G+, एंड सबको पता है कि ये बेस्ट प्रोसेसर तो नहीं है, इससे ज्यादा अच्छे प्रोसेसर आपको इसके कॉम्पिटिशन के अंदर देखने को मिलेंगे, बट एक नॉर्मल यूजर को डे टू डे यूजेज के अंदर कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑल्दो आप इसके अंदर गेमिंग भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, वैसी आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जैसी आपको किसी पावरफुल प्रोसेसर के अंदर मिलती है, बट यहाँ पे भी आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, बट नॉट द बेस्ट। अगर आप सिर्फ प्रोसेसर की वजह से लेना चाहते हो हैवी गेमिंग हैवी वीडियो एडिटिंग, देन ये फोन आपके लिए नहीं है। बट एक अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है कि ये फोन जो है वो आपको एंड्रॉयड 12 के ऊपर रन करता हुआ मिलेगा, और उसके बाद 3 साल तक आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे, ऐसा कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया है। इसका मतलब कि आपको एंड्रॉयड 13, 14 एंड एंड्रॉयड 15 भी मिलेगा इस फोन के अंदर। इसके अलावा आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स के अंदर भी 4 साल के गारंटीड अपडेट्स मिलेंगे, जो कि इस फोन को फ्यूचर प्रूफ बना देता है। वैसे एकदम क्लीन एंड्रॉयड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एकदम स्टॉक एंड्रॉयड आप इसको कह सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पे ब्लॉटवेयर नहीं मिलते। गिने चुने आपको कस्टमाइजेशन मिल जाती है, जैसे कि थोड़ा सा आपको कंट्रोल पैनल के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आइकन्स का साइज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अलावा आपको सेटिंग्स के अंदर इनका फॉन्ट मिल जाता है जो कि डिफरेंट है, कुछ कस्टमाइज विजिट्स मिल जाते हैं, और कुछ वॉलपेपर्स के अंदर आपको कस्टमाइजेशन मिल जाती है। इसके अलावा आपको एकदम स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है
सकता है। डिस्प्ले की स्लाइड में अगर आप इस तरह से स्वाइप डाउन करते हो तो आपका फोन जो है वो लॉक भी हो जाता है। ऐसे कुछ छोटे मोटे आपको बस फीचर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड का मजा लेना है तो आपको नथिंग फोन के अंदर मिल जाएगा, बट जैसे कि फ्रंट टच ओएस के अंदर या फिर ऑक्सीजन ओएस के अंदर आपको ज्यादा कस्टमाइजेशंस मिलती है, वैसे आपको नथिंग फोन के अंदर नहीं मिलने वाली। सो एंड्रॉइड फोन होते हुए भी थोड़ा थोड़ा आपको इसके अंदर आईफोन वाला टच मिलता है। अब इसकी बैटरी की बात करें तो आपको इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है और आसानी से आपके पूरे दिन बैटरी चल जाती है। नॉर्मल यूजर्स पे 1.5 से 2 दिन भी चल जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम भी आपको लगभग 7 घंटे के आसपास मिल जाता है और अच्छे से इसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हो तो भी आपकी बैटरी जो है वो काफी अच्छे से मेंटेन रहती है। वैसे बॉक्स के अंदर आपको कोई चार्जर नहीं मिलता, लेकिन आपको यहाँ पे एक ग्लिफ के अंदर जो चार्जिंग का इंडिकेटर मिल जाता है वो भी एक अच्छी चीज मुझे लगी। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका फोन कितना चार्ज हुआ है। वैसे 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है हमारा नथिंग फोन 1। ऑल्दो इस बजट के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलती, बट नथिंग फोन 1 हमारा वायरलेस चार्जिंग भी और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 15 वॉट्स की आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और 5 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, जिससे आपके कोई भी वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला फोन चार्ज हो जाता है। और कोई अगर आप एयरफोन्स एयरपोर्ट्स को भी चार्ज करना चाहते हो जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हो, वो भी नथिंग फोन 1 से आप चार्ज कर सकते हो। सो एक अच्छा फीचर है। आईफोन के अंदर भी आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता और जिनमें मिलता है उनका बजट काफी ज्यादा हाई होता है। अब बजट की बात हुई है तो नथिंग फोन 1 की प्राइस की बात भी कर लेते हैं। सो 8GB 128GB वाला वेरियंट आपको वैसे 34,000 का मिलता है, बट आपको सेल के अंदर यहाँ पे 32-33 का भी मिल जाता है, जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चल रही है नथिंग फोन 1 के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें 256GB वाले वेरिएंट की, और इसके अलावा आपको 12GB रैम का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। सो उनका प्राइस यहाँ पे अकॉर्डिंगली बढ़ता जाता है, 38,000-40,000 के आसपास चला जाता है। सो आप कंक्लूजन की बात करें और खासकर इस टॉपिक पे अगर हम बात करें कि ये नथिंग फोन 1 आईफोन को टक्कर दे सकता है कि उसको पीछे छोड़ सकता है, सो फिलहाल नथिंग फोन 1 आईफोन को पीछे तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ पे बजट में भी आपको काफी बड़ा डिफरेंस मिलता है, बट आपको यहाँ पे काफी अच्छे डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। खासकर जो इसके अंदर आपको ग्लिफ इंटरफेस देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा यूनिक चीज है, वो किसी भी फोन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता। सो एक शो ऑफ करने की जैसे मैंने चीज बताई थी, जैसे ग्लिफ इंटरफेस और जो साथ में इसका ट्रांसपेरेंट बैक है वैसे आपको मिल जाता है फोन। ओवरऑल कैमरास भी इसके आपको काफी ज्यादा सही मिलते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी और डिस्प्ले की जो साइज है वो भी आपको यहाँ पे सही मिलती है। प्रोसेसर के मामले में थोड़ा वीक कह सकते हैं और बेटर यहाँ पे हो सकता था, बट 5G मिल जाता है जिसके अंदर आपको 12 बैंड्स मिलते हैं। इसके कॉम्पिटिटर्स कहीं आपको 4 बैंड्स भी ऑफर करते हैं, बट यहाँ पे आपको पूरे 12 बैंड्स मिल जाते हैं और सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर प्रूफ फोन बन जाता है हमारा नथिंग फोन 1। सो होप अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे कि क्या आपको नथिंग फोन 1 को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, 2 कलर्स आते हैं, व्हाइट और ब्लैक। पर्सनली मुझे ब्लैक ही ज्यादा अच्छा लगता है, बाकी आपको कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।